हेलो एवरीवन, मैं हूं तनिषा प्रकाश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निफ्टी व्यू पे। तो आज की वीडियो है डीमटेरियलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे। आइए देखते हैं क्या होंगे चेंजेस। एक टाइम था जब सिक्योरिटीज का डीमटेरियलाइजेशन हुआ था और स्टॉक मार्केट पूरा ऑनलाइन हो गया। तब से लेके आज तक सभी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स बड़े आसानी से अपने अकाउंट से ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। अब वही डीमटेरियलाइजेशन इंश्योरेंस की दुनिया में भी आ रहा है और इसलिए इंश्योरेंस कंपनीज काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। चलिए देखते हैं कैसे, कब और क्या चेंजेस लाएगा डीमटेरियलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज? डीमटेरियलाइजेशन के आते ही पेपर वर्क और फिजिकल पॉलिसीज खत्म हो जाएंगे और सारा कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब भी एक नया इंश्योरेंस पॉलिसी इशू होगा वो डीमैट फॉर्मेट में होगा। पॉलिसी डॉक्यूमेंट और डिटेल्स डिजिटली लिए जाएंगे। सिंपल वर्ड्स में कहें तो पॉलिसी अब पेपर फॉर्म में इशू नहीं होंगे बल्कि सिक्योरिटीज की तरह डिजिटल फॉर्म में इशू किए जाएंगे, जो पॉलिसी होल्डर के ई इंश्योरेंस अकाउंट EIA में स्टोर किए जाएंगे। EIA इज द पोर्टफोलियो ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज ऑफ अ पॉलिसी होल्डर हेल्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद एन इंश्योरेंस रिपोजिटरी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेप क्यों लिए जा रहे हैं। वेल, वो इसलिए कि ई इंश्योरेंस अकाउंट से पॉलिसी होल्डर्स को एक सिंगल बटन में सारा डिटेल मिल जाए। पॉलिसी होल्डर सभी इंश्योरेंस को एक साथ एक जगह देख पाए। ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन की वजह से इंश्योरेंस कंपनीज सभी पॉलिसी होल्डर्स को अच्छे से सर्व कर सकें। पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट का झंझट ही खत्म हो जाए। क्या है इंश्योरेंस डिमटेरियलाइजेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स? इन फाइनेंशियल ईयर 2021 इंडियन जनरल इंश्योरर्स सोल्ड ओवर 246 मिलियन पॉलिसीज अक्रॉस द कंट्री। इन 2020 इट वॉज 241.5 मिलियन और आगे जाके ये नंबर्स बढ़ने ही वाले हैं। इमेजिन कितना पेपर सेव होगा डीमटेरियलाइजेशन से। इसके अलावा रेगुलेटरी भी आसानी से सभी इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट कर सकेंगे। डीमटेरियलाइजेशन के आते ही इंश्योरेंस कंपनीज भी कस्टमर्स को बेहतर तरीके से सिस्टमैटिकली सर्व कर पाएंगी और कस्टमर्स यानी कि पॉलिसी होल्डर्स भी जब चाहें अपना अकाउंट एक्सेस कर पाएंगे। फिर चाहे वो कहीं भी रहें, बड़े आसानी से डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट करना हो वो भी कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंगली वो अपना पॉलिसीज को प्लेज करके बोरो भी कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शेयर्स को प्लेज किया जाता है। तो क्या इसके कोई निगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं? वैसे तो ये काफ़ी सही टाइम पे सही मूव है, लेकिन क्योंकि 500 मिलियन प्लस पॉलिसीज हैं तो काफ़ी ऑपरेशनल चैलेंजेस और कॉस्ट रिलेटेड कंसर्न्स आएंगे जो सिस्टम को चालू होने से पहले ही टैकल करना होगा। वैसे तो कस्टमर्स के लिए EIA फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज को इंश्योरेंस डिपॉजिटर्स NSDL, CDSL, CMS और कैरी को कंपनसेट करना पड़ेगा पॉलिसी डाटा को सेफली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने के लिए। Besides, पॉलिसी होल्डर्स कैन नॉट ट्रेड देयर पॉलिसीज थ्रू द डीमैट अकाउंट एज इट इज नॉट एन ऑपरेटिव अकाउंट। द रिपॉजिटरी अकाउंट मे हैव फ्यूअर पॉलिसीज टू मेंटेन व्हेन कंपेयर्ड टू अ रेगुलर स्टॉक डीमैट अकाउंट। देन हाउ विल द क्लाइंट्स बी इम्पैक्टेड? दिस कॉन्सेप्ट मे बी न्यू टू सम एंड मे नॉट बी यूटिलाइज्ड वाइडली। However, dematerialization of insurance policies impacts all the customers in a positive way. It brings down the cost of insurance plans and reduces the time and effort overheads of implementing the policies. An insurance investor can choose any of the 5 repositories licensed by IRDAI to open or maintain their account. The Know Your Customer KYC documents need to be submitted only once, that is at the time of opening the insurance demat account. A unique ID is created which can be referred to at the time of purchasing new policies. Policyholder can directly change address or nominee details through the insurance demat account. Maintenance and safekeeping become easier as compared to physical documents. वैसे तो डेडलाइन सेट हो गया है, लेकिन अब जब 60% से ज़्यादा मार्केट LIC का है, LIC के मूव के हिसाब से डीमटेरियलाइजेशन का प्रोग्रेस एक्चुअली में पता चलेगा। अगर आपको एज एन इन्वेस्टर पर्सनलाइज्ड एडवाइजरी, मार्केट रिलेटेड न्यूज़, नॉलेज बेस्ड कंटेंट और ऐसे टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के साथ ऐसे कंपनी इन्फो भी चाहिए तो आज ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट पार्टनर चूज कीजिए। एंजल वन के स्मार्ट रिपब्लिक के स्मार्ट सिटीजन बनिए। अब आते हैं ऑफर ऑफ द मंथ फॉर B2C कस्टमर्स पे। तो enjoy zero brokerage on all orders for the first 30 days. Avail zero interest charges on MTF trading for the first 30 days. Account opening charges, brokerage and AMC for B2C customers देख लेते हैं। तो create a demat account for free, enjoy 0 rupees brokerage on delivery trades and 20 rupees brokerage on intraday, F&O currencies and commodities. Free AMC for first year. Now why Angel One is the best place to trade and invest?
एंजल वन ना सिर्फ देश का नंबर वन फुल सर्विस ब्रोकर है बल्कि अब एक फुल्ली फंक्शनल फिनटेक कंपनी भी है। जी हाँ, एंजल वन के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें और अलग अलग टेक्निकल और डाटा रिलेटेड फीचर्स का एडवांटेजेस लें, जैसे कि स्मार्ट मनी, स्मार्ट स्टोर, ट्रेड बडी अलॉन्ग विद बेस्ट फैसिलिटीज जैसे कि 1 ईयर फ्री AMC, स्मॉल केस, रोबो ऑर्डर, स्मार्ट API, फ्लैट 20 रुपीज ब्रोकरेज, पर्सनलाइज्ड एडवाइजरी, MTF फैसिलिटी एंड मनी मोर। बिकॉज ओपनिंग डीमैट अकाउंट विद एंजल वन, इंडियाज नंबर वन फिनटेक विद 30+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, इज नॉट जस्ट फ्री एंड ईजी बट कम्स विद अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। Secure and fast trading, new age platforms, single screen trading, investment in global securities, tips and advices, video tutorials, etc. and offers for its 10 million plus trusted users. इन सब का फायदा लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और अपना फ्री डीमैट अकाउंट आज ही ओपन कीजिए। एंजल वन इंडिया का एक्सपीरियंस्ड ही नहीं बल्कि करेंटली टॉप 4 स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज में से एक है और यहां आप न सिर्फ इक्विटी मार्केट में बल्कि कमोडिटी और F&O में भी ट्रेड कर सकते हैं इजिली, सेफली एंड सिक्योरली। तो जल्दी मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो इसीलिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए। थैंक यू सो मच।